तो कहाँ चले गए ये दोनों? फोन भी नहीं लग रहा है दोनों का। गाड़ियाँ छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? वो किसी और की गाड़ी में तो नहीं है? चलो किसी और की। क्या हुआ भैया? वो टैक्सी वाले पता नहीं कैसे चला रहा था, जैसे कोई गुनाह करके भागा हो, पुलिस पीछे लगी हो। शालू तुझे वो गाड़ी याद है जो हमारे ऑटो से आके टकराने वाली थी? वो गाड़ी वो बहुत फास्ट चला। कहीं वो बलविंदर तो नहीं था? देखा था तूने वो? नहीं दी, मैंने किसी को देखा नहीं था। वो कैसे हो सकता है बलविंदर? लेकिन शालू तुझे याद है ना वो गाड़ी कितनी फास्ट चला रहा था? और वो ऑटो वाले भैया ने कहा था ना कि कोई तो कुछ ऐसा करके गलत करके भागा है, ऐसा लग रहा है। पुलिस जी, लक्ष्मी ओबरॉय जी मैं हूँ। ये मेरे पति की कार है, मैंने ही आपको फोन किया था। वो यहाँ नहीं है, सिर्फ गाड़ी है उनकी, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। और ये चलो ये भी मिला है हमें यहाँ पे, ये डंडा इसके यहाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़ाई हुई है यहाँ पर। दरवाजा भी खुला हुआ था और लाइट भी ऑन थी गाड़ी। पॉसिबल तो है लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि ना कोई सबूत है ना कोई सुराग। अच्छा आप ये बताइए कि आपके पति के साथ और कौन था? उनका भाई था आयुष, वो था उसका सर। लेकिन मैं कह रही हूँ कि कोई तो बात जरूर है क्योंकि ऋषि ना बहुत तेज गाड़ी चला के निकले थे और वो बहुत गुस्से में भी थे। वो मैंने उनको देखा था, वो यही पे आ रहे थे, यही सड़क पे थे, इसलिए तो हम यहाँ आए। यहाँ पे गाड़ी है लेकिन वो लोग नहीं है। लेकिन इतने सुनसान रास्ते पे इतनी रात को कोई आएगा क्यों? भाई तो सर मैं बोल रही हूँ ना, कोई बात तो जरूर है। कोई बात होगी तो पता चल ही जाएगी, आप परेशान मत होइए। अच्छा ये बताइए कि जब आप यहाँ आ रही थी तो आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? हाँ एक टैक्सी थी, वो जस्ट हमारे सामने से ही निकली थी और वो भी बहुत तेजी में, बहुत रैश ड्राइविंग। हाँ हम जो ऑटोमैन है उससे एक्सीडेंट होते होते बच गया हमारा। क्या आपने देखा था उस टैक्सी में कौन था? नहीं सर, वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था इसलिए हम देख नहीं पाए। हाँ, हम तो खुद को संभाल रहे थे वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाता। याद कीजिए शायद कोई नंबर याद हो। नहीं कोई बात नहीं, हम पता करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको किसी पर शक है कि आपके पति का कोई दुश्मन जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उनका बुरा चाहता हो, है कोई ऐसा? जी बलविंदर, बलविंदर सूद नाम है उसका। बलविंदर सूद, जरूरत पड़ी तो इससे मिल ही लेंगे। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम पता करते हैं। मैं भी चलती हूँ, हम भी चलते हैं। सॉरी मैडम, हम आपको साथ नहीं ले सकते, आप निश्चित रहिए, हम जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आयुष चाकू लेकर आ। चाकू? जो काम पुलिस करती है ना वो अब हम करेंगे। चाकू? ऐसे कट दूंगा ना तेरी बॉडी पे मैं। चाकू क्या करेगा, क्या करेगा चाकू? अरे मरा, कट देंगे। मरा हो इन्हें। कट देंगे, वो कट में डालेंगे नमक और डालेंगे मिर्च ताकि देखो कट फील हो। अभी पता चल जाएगा क्या होगा तेरे साथ, जो होगा ना पता चल जाएगा, तेरी आंखों के सामने होगा। ठीक है जा आयुष, तू वेट क्या कर रहा है, जा चाकू लेके। आयुष मारेगा ये कटेगा। नहीं आयुष रुक जाओ, ऋषि जस्ट स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या कर रहे हो तुम, मर जाएगा वो, पागल हो गए हो क्या? तुम पे मर्डर का चार्ज लग जाएगा, तुम्हें जेल हो जाएगी। ऋषि क्यों कर रहे हो अपने साथ ही, तुम्हें सच जानना है ना, तुम पुलिस को बुलाओ, पुलिस के हवाले करो ना इसको। तुम कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो ऋषि, डोंट डू दिस। यार ऋषि मलिष्का सही कह रही है, तुम इस सब में क्यों फंस रहे हो? सुना तुमने, प्लीज मत करो ये प्लीज। मलिष्का हो गया तुम्हारा, मैं बात कर रहा हूँ उससे, मुझे डील करने दो, जाके अपनी जगह पे खड़ी हो जाओ। जाओ जाओ पीछे जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। जाओ बोल, अब तू सच बोलेगा, किसने तेरा साथ दिया है? बोल बलविंदर बोल। आयुष चाकू लाना। ऋषि भाई, आयुष नहीं ऋषि, अब तू सच बोलेगा। ऋषि डोंट सी, ऋषि ऋषि बोल। ऋषि नो, मॉम मैं आपका बेटा हूँ ना, और आप इस घर में कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते। बिल्कुल मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, जस्ट ट्रस्ट मी। मैं बस इसे टॉर्चर करूंगा और इतना टॉर्चर करूंगा ना तुझे कि जिंदा नहीं रह पाएगा तू। बलविंदर मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, मॉम ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा प्लीज। चल इधर देख, चल सच बोल, सच बोल। लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की बात तुझे किसने न्यूज दी थी? लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की बता।
बोल सच क्या है बलविंदर, बोल। अबे बोल ना बल्लू, देख नहीं रहा किधर खुंदक में, मार देंगे मर जाएगा। यो अब लो यार, मारो उसको, मारो उसको। अबे जिंदा मार देंगे तुझे, देख लिया तेरा क्या हाल कर दिया, बोल मैन, कम ऑन डैम इट। ये ऐसे नहीं सुधरेगा आयुष, चाकू दे। नो प्लीज मुंह मत खोलना बलविंदर, ऋषि को रोकना पड़ेगा कैसे भी। ऋषि स्टॉप, स्टॉप इट प्लीज। प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम सच जानना चाहते हो कि वो इंसान कौन था जिसने लक्ष्मी के साथ ये सब किया, और तुम्हारी फैमिली के साथ मैं जानती हूँ, लेकिन उसके लिए पुलिस के पास जाओ ना, वो सच निकलवाएंगे। इससे तुम कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हो, और किसके लिए ले रहे हो इसलिए? लक्ष्मी के लिए। और दिखाना क्या चाहते हो, क्या जताना चाहते हो कि देखो लक्ष्मी, जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया, उससे मैं कैसे बदला ले रहा हूँ? इसके लिए, इस लड़की के लिए तुम जेल जाने को रेडी हो, मर्डरर बनने को रेडी हो, अपने साथ गलत करने को रेडी हो, इसके लिए क्यों ऋषि? अरे मैं जानती हूँ तुम्हें सच जाना, लेकिन सच तो खुद ब खुद बाहर आ ही जाएगा ना, उसके लिए तुम खुद की जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? हाँ ऋषि, और तुम ये सब लक्ष्मी के लिए कर रहे हो? आर यू मैड? होश में आओ। और मलिष्का सही कह रही है, तुम इस लक्ष्मी का बदला ले रहे हो ना कहीं ना कहीं। तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है उसमें अगर बदला ले रहा हूँ तो? क्या कुछ नहीं सहाया लक्ष्मी ने आहाना के लिए, आहाना टॉर्चर होती गई उसके लिए, कितना कुछ सहाया लक्ष्मी ने, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा फर्ज बनता है लक्ष्मी को प्रोटेक्ट करना आंटी, तो वही कर रहा हूं मैं, और दोबारा करना पड़ेगा तो वही करूंगा। और आंटी, मेरे परिवार की जो इज्जत बचाता है ना, वो मेरी नजरों में सबसे आगे रहता है, सबसे ऊपर रहता है। चढ़ा आयुष, नीचे वेट कर रहा हूं मैं तेरा, और तू यहाँ पे इस बॉटल के साथ कैच कैच खेल रहा है, वो भी इस बॉटल के साथ। अरे वो क्योंकि मुझे मलिष्का से धक्का, मलिष्का बोलो ना यार, तुमसे धक्का लग गया मुझे। हाँ आई एम रियली सॉरी, मेरा पैर फिसल गया था तो धक्का लग गया। वो सब छोड़ो तुम। आयुष मुझे एक बात बता, इसके अंदर जो कुछ भी है तुझे यूज करना आता है ना, कितना पिलाना है, कितना यूज करना है, मुझे आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स व्हेन आयुष इज हियर डोंट फिकर माय डियर, नो फियर। ये बॉटल है ना, इसमें यह सिरप है, मैं इसको किसी पानी में या किसी सॉफ्ट ड्रिंक में या किसी शरबत में डाल दूंगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। ये सब करेगी, अंदर जाएगी, सच बाहर, हमें बस बैठ के देखना है आराम से, ये सब कर लेगी। ये मुझे तो ये बॉटल मैं ले लेती हूँ, मैं मिक्स कर देती हूँ। यस, मैं इसे ले जाके सिंक में फेंक दूंगी और कुछ पिलाऊंगी ही नहीं, फिर देखती हूँ बलविंदर सच कैसे बोलता है। पर क्यों, आयुष है ना, उसने कहा वो देख लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, वो आयुष को पता है कितना पिलाना है, कैसे यूज करना है, सो आयुष कर लेगा। एंड मलिष्का, मुझे इस प्लान के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए, दैट्स इट। मजाक नहीं चाहिए आयुष, अभी सीरियस हो जा थोड़ा। सुना तूने क्या कहा मैंने, मुझे इस प्लान में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरह से बलविंदर के मुंह से सच निकलवाना ही पड़ेगा, हमें जानना है कि लक्ष्मी की झूठी प्रेगनेंसी का सच किसने बताया उसे। सो इस प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आयुष, क्लिप कट। प्लान में गड़बड़ नहीं होगी ऋषि भाई, क्योंकि सच सामने आ गया। मतलब मलिष्का, मलिष्का इन सबके पीछे। व्हाट आयुष, कैसा लगा? बस यही करना है हमें। अरे एग्जांपल था मलिष्का, डोंट वरी। देखो ये दवाइयों से हम पिलाएंगे, उसके बाद उसे क्या करना है, वो बस नाम बताएगा, और जैसे वो नाम बताएगा हम उसे धर दबोच लेंगे, जो भी इंसान होगा, बस सिंपल। अरे ओके, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई ना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आयुष, चांस ही नहीं है, पॉसिबल। अरे मत घबराओ यार, मजाक कर रहा, तुमने थोड़ी किया कुछ भी। घबरा रही है मैं, डोंट वरी ऋषि भाई। ना था क्या था ये, बोल लिया। अब मैं बोलूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ मलिष्का। लक्ष्मी की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में हमारे फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता था, लेकिन मलिष्का हमारे फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे परिवार की इज्जत को खराब करेगा, हमारा नाम खराब करेगा, कोई भी नहीं ऐसा।
ये जरूर किसी बाहर वाले का ही काम है जिसने जाके ये न्यूज बलविंदर तक पहुंचा दी है। और कितने सारे लोग घर में ही है, शेफ्स, ड्राइवर्स, मेड्स, गार्डनर, कितने सारे लोग है। इतने सारे लोग घर में आते भी है, कोई भी जाके कुछ भी बता सकता है बलविंदर को। बस सब बहुत हो गया, अब उस खबरी को मैं अपने परिवार का नाम और खराब नहीं करने दूंगा मलिष्का। और दूसरी बात, चाहे बात लक्ष्मी की इज्जत की हो या इस घर की इज्जत की, नाम मेरे परिवार का खराब हो रहा है और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और इतनी औकात नहीं है किसी की जो ओबरॉय फैमिली का नाम खराब कर सके, चाहे वो कोई भी हो। मलिष्का एक चीज बोल रहा हूं तुम्हें आज, और रिश्तों में कंपैरिजन में कभी नहीं करता लेकिन आज कर रहा हूं, और वो भी आखिरी बार कर रहा हूं, ये बात सुन लेना मेरी। एक लक्ष्मी है जिसने आहना की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुद की इज्जत दांव पे लगा दी, अपना मान सम्मान सब कुछ भूल गई वो। मेरे पूरे परिवार ने क्या क्या नहीं कहा उसे, सब कुछ सुनती रही वो, अपनी खुद की इज्जत की परवाह नहीं की। और एक तुम हो जो कह रही हो मुझे मैं अपने परिवार के दुश्मन को जाने दूं। मर जाऊंगा मैं, इसी दो चम्मच पिला दे पानी। तू इसी लायक है। मर जाऊंगा मां कसम, बहुत प्यास लग रही, जेल हो जाएगी तुझे, दो चम्मच दे दे। आयुष एक्स्ट्रा ग्लास है क्या बलविंदर के लिए? ऋषि भाई वो है तो, बट वो मैंने ग्लास ट्रे में रख दिया, अब सारे ट्रे के ग्लासेस के साथ वो मिक्स हो गया, इसी में से पिलाना है तो। तू पागल है क्या? सॉरी यार, सॉरी। एक काम दिया था आयुष करने को, उसमें भी तूने गड़बड़ कर दी। यार एक काम कर, कोई बात नहीं, जा वापस है और वो दूसरी बॉटल यूज कर ले, वो डाल दे। कैसे डालू ऋषि भाई, जो डालना था ग्लास में वो तो सारा एक ही बार में उड़ेल दिया मैंने। पागल है क्या? देखो इसलिए वो तो हमेशा लाइफ में मजाक मत किया कर, कभी सीरियस भी हो जाएगा आयुष। सॉरी भाई, सॉरी। क्या सॉरी? अगर इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी तूने। अरे पर बात क्या है? वो मामा बलविंदर इतनी मार खाने के बाद भी कुछ सच नहीं बोल रहा था, तो वो हमने सिरम अरेंज करा, वो दवाई आती है ना, वो नशीली दवाई जिससे पी के सब कुछ सज उगल देता है इंसान, वो डाल दी मेरे ग्लास में, तो उसको पिलानी थी बलविंदर को। बट आयुष इतने सारे ग्लासेस क्यों? मुझे लगा तो बलविंदर धीरे धीरे सब कुछ बताएगा, धीरे धीरे सस्पेंस खोलेगा, तो हम सब बैठ के आराम से सिप लेते हैं, मजे लेंगे थ्रिलर के। पर तुझे अभी भी मजे लेने? नहीं यार मैं सीरियस हूँ, ये क्या बोले जा रहा हूँ मैं। वैसे ये आइडिया सही है सरम वाली, इसे ऋषि बच जाएगा, वरना इसे मारता रहेगा और इसको अगर कुछ हो गया तो सारा ब्लेम ऋषि पर आएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए तो था ये प्लान भी। हाँ तो करो ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसे प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई है मामा, वो सिर्फ जिस ग्लास में डाला था ना, वो ग्लास इन्हीं ग्लासेस में से एक है, वो गलती से मिक्स हो गया, आप इसी में से देना उस बलविंदर को, कैसे दूं समझ नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत होगी। एक प्रॉब्लम, एक काम बोला था आयुष, वो भी नहीं कर पाया ना, लेकिन कोई बात नहीं, सच तो मैं उगलवाऊंगा इससे। ऋषि 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 सच बता बलविंदर, बोल क्या? हाँ बोल। पानी पिला दे बता रहा। क्या नसीब है इसका यार, पानी पानी कर रहा था से। मैं शरबत लेके आते तेरे लिए, अपना शरबत मिलेगा ना पानी मिलेगा। नसीब तो मेरा देखो, इट्स लाइक मरते मरते बची हूँ मैं सीरियसली, पर नए बलविंदर ये आज मेरा नाम नहीं लेता। हैट सॉफ्ट यू बलविंदर, इतनी मार खाई तुमने पर फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। मेरे पास एक और आइडिया है, सच खुलवाने का, ये अभी सब जल्दी जल्दी सच बोलेगा, अभी निकलवाता हूँ सच से। यस यस वी डिड इट ऋषि भाई, हमने कर दिखाया, हमने क्या कर दिखाया? हमने कुछ नहीं कर दिखाया, जो कर दिखाया मैंने कर दिखाया, गलती कर दी तूने आयुष बहुत बड़ी, उसके बाद उछल रहा है तू, दुनिया का पहला इंसान होगा जो गलती करने के बाद उछल रहा है, तू इधर आ मेरे साथ आ इधर। क्या हुआ मलिष्का? वो बलविंदर है ना, वो ऋषि को सब कुछ सच बता देगा कि लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में मैंने बताया था उसको, और अब ना अब बात बलविंदर की रही नहीं, अब बात मेरी आ चुकी है, क्योंकि ऋषि को उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ इतना जानना है कि वो इंसान कौन था जो बलविंदर से मिला हुआ था, जिसने उसे लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में बताया, वो उसके पीछे पड़ गया है, और वो इंसान मैं हूँ मॉम, अब विलन मैं बन चुकी हूँ, और अगर ये बात ऋषि को पता चल गई ना तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मेरी शक्ल नहीं देखेगा, नफरत करेगा मॉम, वो मुझे ना कभी नहीं मिल पाएगा। काम डाउन, काम डाउन मलिष्का, तुम अपने घर में नहीं हो, कोई सुन लेगा, जस्ट काम डाउन। और वैसे भी बलविंदर ने अभी कुछ नहीं बोला, एंड विल मेक श्योर कि वो कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या कर सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं, वी कैन डू नथिंग। उसे इतने गुस्से में मैंने आज तक कभी नहीं देखा, उसका ये रूप मैंने आज तक नहीं देखा मॉम, वो कुछ भी करेगा, वो सच निकलवा के रहेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत प्यार करता है वो उनसे और लक्ष्मी से, ये सब वो लक्ष्मी के लिए भी कर रहा है ना,
यस और नो? हो सकता है शायद, मुझे नहीं पता। बट रबिश मलिष्का, तुम अब भी नहीं समझ रहे हो, दिख नहीं रहा तुम्हें कैसे लक्ष्मी धीरे धीरे बिना कुछ कहे ऋषि को अपने जाल में फंसा रही है, और तुमने अपनी लाइफ को उलट पलट करके रख दिया। सब कुछ होते हुए भी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। पूटा सुनाने आई हूँ मुझे यहाँ पे, मैं ऑलरेडी इतनी टेंस दिखाई दे रहा आपको। अरे वो बलविंदर सबको सच बता देगा, और हाँ कर दिया मैंने, सब उलट पलट कर दिया मैंने, वो भी सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। अरे जब वो हिम्मत नहीं हारी तो मैं कैसे हार जाऊँ? एंड मॉम आई एम टेलिंग यू, अब मुझे मेरा ऋषि चाहिए किसी भी हालत में, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। सबसे पहले इस बलविंदर का कुछ करना होगा, अगर वो यहाँ रहा तो फाइन, फिर वो यहाँ रहेगा ही नहीं। मतलब जब कोई इंसान आपके लिए थ्रेट बन जाता है ना मॉम, तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए, करेक्ट? क्या कह रही हो तुम मलिष्का? हाँ प्लीज समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बलविंदर मेरे लिए थ्रेट बन चुका है, और अब कुछ भी करके हमें उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और ये जंग तो मैं लक्ष्मी को नहीं जीतने दूंगी किसी भी कीमत पे। मलिष्का तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, खेल खेलने तक ठीक था, तुम आग के साथ खेलना शुरू कर। आग तो बहुत पहले से लग चुकी है मॉम, और ये आग लगाई किसने? लक्ष्मी ने ना, तो अब इस आग में जलेगी भी लक्ष्मी खुद ही। लेकिन बेटा मैं आपसे सजेशन लेने नहीं आई, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं हमें क्या कर रहे हैं। हमें बलविंदर को अपने रास्ते से हटाना होगा एनी हाउ। श्योर? अरे कॉस आई एम श्योर। फाइन हो गया, थैंक गॉड इसने मेरी और मॉम की बात नहीं सुनी। पर यू नो व्हाट मलिष्का, कुछ तो है यार जो सिर्फ तुम जानती हो, हम नहीं जानते। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें देख लिया था मलिष्का, जब तुम बलविंदर के साथ थी, आई मीन ये जब ऋषि भाई बलविंदर के साथ थे, उसे पीट रहे थे, तो वो तुम्हें ही देख रहा था। पहले तुम धीरे 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 पीछे गई, एंड आई एम नॉट एंटायरली श्योर, पर शायद तुम कुछ इशारा भी कर रही थी उसको। व्हाट आर यू फॉर रियल आयुष, क्या बोले जा रहे हो? और मैं क्यों इशारा करूंगी उस चीप आदमी को, जो भी है वो, मुझसे क्या मतलब है उसका? कैसी बातें कर रहे हैं आयुष? मैं क्यों करूंगी आयुष ये सब? No, actually you're right. तुम क्यों इशारा करोगी उसे? I'm really sorry. I'm sorry. Sorry, आ मलिष्का. मैं मेरे को लगा था कि मुझे गलत फहमी हो गया. I was wrong. So मैं just ऐसे confirm करने आ गया. So just chill. No stress. Okay? I'm chilled out only, आयुष. अब मुझे क्यों स्ट्रेस होगा? मैं क्या जानती हूँ उस आदमी को, जो भी वो घटिया आदमी है. So मेरा कोई लेना देना ही नहीं है उससे. Everything is okay. Okay. और वैसे भी सब सच पता ही चल जाएगा जब बलविंदर उठ जाएगा. I know. And I hope कि वो जल्दी से उठ जाए. नहीं नहीं, आई होप वो जल्दी से जाग जाए, वरना अगर उठ गया तो फिर कैसे पता चलेगा? कैसे पता? You don't like jokes? नहीं पसंद? Okay. वो इतना टाइम हो गया, शालू अब तक कम क्यों नहीं हुई ना? सारा काम माइनस पड़ा हुआ है। माइनस? माइनस मतलब काम बाकी पड़ा हुआ है। आउल कहीं की तो मॉम आप एक मेड क्यों नहीं रखी थी, मतलब नौकरानी? अच्छा, और पैसे कौन देगा? तेरा बाप? वैसे भी तेरे बाप की कमाई से सिर्फ हम दोनों पल रही है, और ऊपर से ये दोनों बहनें। और नौकरानी को कहा मेरे सर पे सिट करूं मैं? और क्या जरूरत है नौकरानी की, ये दोनों बहनें हैं ना, और वो भी फ्री में। बोलो नौकरानी का नाम लिया, नौकरानी आ गई। हाँ मतलब तेरी बहन आ गई, बहन। अरे बहन क्या, महारानी जी है, महारानी जी आ गई। कहाँ थी? मैं क्या करूँ, चाची को बताओ कि नहीं बलविंदर वाली बात। अरे इतना क्या थिंक करी है, बताना कहाँ गई थी। ऐसा क्या करके आई है जो बहाना सोचना पड़ रहा है? जो लोगों ने कुछ गलत नहीं किया ना, उसे बहाना नहीं सोचना पड़ता। ओ हेलो, तू मेरे बारे में बोल रही है ना? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? चाची वो मैं दी के घर गई थी। तो मुझे भी ले जाती ना स्टूपिड। मतलब इसी बहाने मैं भी उस महल में घूम आती, मॉम तो उधर जाने नहीं देती है मुझे। जा तू भी जा वहाँ पर, उन लोगों ने तेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरी नाक काट के रख दी, अब तू भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे, जा गो। और तू क्या लुकिंग कर रही है, जा जाके काम कर सारे। हरानी कहीं की नहीं मलिष्का, मैं आज नहीं सोऊंगा और यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। बट क्यों, इस बलविंदर पर नजर रखनी है इसलिए? वैसे सही भी है, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं नजर रखूंगी उसके ऊपर, और वो जैसी आँख खोलेगा ना मैं तुम्हें बुला लूंगी पक्का। तो अभी प्लीज जाओ रेस्ट करो। उसकी कोई जरूरत नहीं मनीष का,
क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तुम जाओ, तुम आराम करो, तुम सो जाओ जाके। अरे तुम सुबह से परेशान हो ऋषि, प्लीज जस्ट गो एंड गेट सम रेस्ट, सो जाओ जाके। नो इट्स ओके मनीषा, मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, मुझे नहीं सोना है, मैं नहीं सोऊंगा, मैं यहीं पे बैठे रहूंगा। ठीक है मैं चले जाऊंगी, लेकिन मैं एक चीज तो कर सकती हूँ ना। क्या? तुम्हारी हेड मसाज, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं मनीषा, इसकी भी जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे बालों पे हाथ लगाए, तुम्हें पता है ना। ठीक है मैं बालों पे हाथ नहीं लगाऊंगी, बट नेक पे तो मसाज कर सकती हूँ ना, यू विल फील बेटर, ट्रस्ट मी। ठीक है ओके। गॉड सच में ग्रहण बन गई है मेरी लाइफ में, दो मिनट अकेले नहीं रह सकती मैं ऋषि के साथ। एंड व्हाट, अब ये भी यहां सोएगी क्या? फिर तो मेरा काम होगा ही नहीं। क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मी। ऋषि मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं रहती हूँ यहाँ पे। और मैं भी तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, तुम जाओ जाके सो जाओ। थैंक गॉड ये ऋषि के लिए था, अब काम हो जाएगा मेरा, पर उसके लिए ऋषि को सुलाना जरूरी है, मैं सुलाती हूँ इसे। अब गई वो, करूँ मैं? आई एम श्योर अब थोड़ी देर में तुम सो जाओगे ऋषि। यू क्रूक, तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है मुझे सब। मलिष्का क्या कर रही हो ये तुम? इसको खोला क्यों है? क्या ये नहीं? मलिष्का ऋषि पहले बलविंदर को संभालो। हाँ संभाल रहा हूँ आंटी। इसको खोला किसने? मलिष्का तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे फोन किया था कि बलविंदर को खोलने कुछ गुंडे आए। कहाँ हैं वो गुंडे? गुंडे हाँ वो ना वो बलविंदर के कुछ दोस्त आए थे यहाँ पे इसको छुड़वाने के लिए, और मैंने इसको बिल्कुल जाने नहीं दिया, यहाँ सब बचा लिया मैंने। हाँ कहाँ गए वो गुंडे? वो यहीं बैठे थे अभी, पता नहीं क्या हुआ आंटी। मुझे लग रहा है वहाँ कोई है ऋषि, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं जाके देखती हूँ। वैसे भी अगर गुंडे हुए तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, डोंट वरी। आंटी संभल के प्लीज। देख क्या रहे हो, सब गड़बड़ होगी, भागो यहाँ से। देखो भागने से पहले मुझे धक्का दो, ऐसे लगना चाहिए मैं तुम्हें रोक रही थी और मुझे धक्का लगा। ऋषि आंटी ऋषि धक्का आंटी कुंडली रुक रुक अगर तू उस इंसान के बारे में मुझे सच सच बता देगा ना तो मैं तुझे यहां से जाने दूंगा, तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर नहीं बताया तो तू जानता है मैं तेरा क्या करूंगा। जो भी तेरा साथ दे रहा है, जो भी तुझे बचा रहा है ना, वो यहां पे तुझे आज बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए अब सारी चीजें तेरे हाथ में बलविंदर, किसे बचाना चाहता है तू, अपनी लाइफ को बचाना चाहता है या उस इंसान को, ये तू डिसाइड कर। ओ कमकल सोच क्या रहा है, इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा है, बोल दे फटाफट से नाम बोल निकल। आयुष एक सेकंड, बोलेगा वो, बताएगा हमें। बलविंदर चल सच बता, क्या है? बोल सच बोल।
मुझे क्यों इशारा कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? ये झूठ बोल रहा है, झूठा है ये। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रहा है ऋषि। ये मेरा नाम गलत ले रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आंटी, आई स्वेयर। मैं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? ये झूठा है ऋषि, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनुष्का, व्हाट इज दिस? ये घटिया गुंडा मवाली मेरी बेटी पे ब्लेम लगा रहे हो, और आप लोग प्लीज इसकी बात में मत आओ प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। नहीं मलिष्का, हो या आप समझा, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारा ही प्लान था ना बलविंदर को इस घर से भगाने का, है ना? वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मैं यहाँ पे आ गया, और मैंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया ना। आई कांट बिलीव दिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ऋषि, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? ए, ज्यादा शाणी बन के मत दिखा। 110 चूहे खा के बिल्ली पुण्य कमाने चल दी। तूने बताया था मुझे सब कुछ इससे बताया था ऋषि मुझे। तूने नहीं बताया था मुझे, कैसे पता चल गया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है? इस जगह था मुझे और घराने को बोल रहा था, इसलिए आया मैं। शराब हिम्मत कैसी तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की? तुम जैसे लोग सुना, मैं बात तक नहीं करती हूँ। अच्छा, बात नहीं करती? घर तक पहुँच गई थी मेरे, घर आके बोल रही थी। और क्या अपने मतलब के लिए आई थी ना? मतलब फरोश हो रहा था, एक नंबर की बता रहा मैं तुझे। ये मेरे पर्सनल मैटर के विषय मत बोलो तुम। सो डोंट यू डेयर मलिष्का। ये मैटर तुम्हारा या इस फैमिली का होने से पहले मेरा मैटर। मुझे बातें सुनाई गई, मुझ पे उंगलियां उठाई गई हैं, मुझ पे कीचड़ उछाला गया। और क्यों? तुम्हारी वजह से। तुमने किया ये सब कुछ। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या होता, लेकिन हमारे लिए, हमारे परिवार में लड़की की जान होता है उसका चरित्र, बल्कि जान से भी बढ़कर होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके चरित्र से उसके परिवारों के संस्कार दिखते। तुमने ये सब करके सिर्फ मुझ पे उंगली नहीं उठाई है, मेरे माँ बाबूजी के संस्कारों पर उंगली उठाई है। वो माँ बाबूजी जो इस दुनिया में भी नहीं है। सिर्फ मुझे दुख नहीं पहुंचाया, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाया है। और ये सब करने के बाद तुम अपने आप को औरत कहती? कैसी औरत हो तुम? हाँ, पर देखो, जो उंगलियां मेरी तरफ उठ रही थी, वो आज मेरे माँ बाबू जी के आशीर्वाद से तुम्हारी तरफ है। पलट के देखो एक बार। उठो, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबकी नजरों में तुम पैरों से कहीं ज्यादा नीचे गिर चुके हो। एग्जैक्टली। अब बंद करो ये तमाशा। ये घर है हमारा, कोई सर्कस का हॉल नहीं है। और मलिष्का प्लीज, हमारे घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये तो तुम हो, तुम एक लड़की हो, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो ऐसी सजा देते कि वो जिंदगी भर याद रखता। अब तुम जाओ यहाँ से, और अपने साथ इस डर्ट को भी लेकर जाओ। और तुम दोनों ने अगर हमें तुम्हारा कभी अपनी शक्ल भी दिखाई ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? किरण, नो किरण, आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे मलिष्का, चली जाओ हमारे घर से, वरना आयुष पुलिस को बुलाओ। मलिष्का, यू बेटर गेट आउट नाउ एंड फास्ट। तो कोई भी नहीं। प्रिया आवाजें कैसी थी, किसकी थी? लोग कहते हैं कि बढ़ती उम्र में कान कम सुनना शुरू कर देते हैं, पर मेरे कान तो कुछ ज्यादा ही नहीं सुन रहे। खैर, पर ये आवाज थी किसकी? शुक्र है आवाजें थी, कोई बंदा नहीं था मेरे कमरे में। हैं? ये बोतल कहाँ चली गई? कुछ है वहाँ पे? कुछ है,
क्या है? अरे देखो, मैं ना रात को अच्छी भली सो रही थी, फिर अचानक से मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे ना कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने फिर ना डर तो लगा, पर मैंने इधर उधर देखा और वहाँ पे ना कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा कोई नहीं है, तो फिर मैं सोने लगे। फिर सोचा कि अगर बाद में प्यास लगेगी तो मुझे फिर से उठना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा पानी पी के ही सोचती हूँ। तो मैंने बॉटल अपने पास ही रखती हूँ ना बैठे के पानी की, तो मैंने हाथ बढ़ाया और वो बॉटल वहाँ नहीं थी। बॉटल नहीं थी तो कहाँ जाएगी? क्या क्या कह क्या रही हैं आप? मतलब जहाँ होनी चाहिए थी ना, जहाँ मैं रखती हूँ, वहाँ नहीं थी, आगे थी। मैं कह रही हूँ मेरे कमरे में ना पक्का भूत है कोई। भूत? अबे भूत! आयुष ये क्या बचपना है? नहीं हुआ। आयुष शट अप। मॉम आर यू सीरियस? आपने खुद बॉटल कहीं और रखी होगी, फिर आप कुछ और ही सोच रहे हो। और हो सकता है ना वो आवाज जो आई है वो हवा से आई हो। और हाय करिश्मा, वो तेरे को ना अलग से समझाना पड़ता है। हट मम्मी जी, देख ये बॉटल यहाँ पे पड़ी है ना, यहाँ पे अपने आप तो चल के नहीं आ सकती ना। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे कमरे में पक्का कुछ है। हाँ दादी सही कह रही है, कुछ है उनके रूम में। ऋषि तुम क्यों बोल रहे हो ये सब? फालतू में डरा रहे हो और दादी को? अरे डरा नहीं रहा हूँ, सच में उनके कमरे में कुछ है। वो बलविंदर को बचाने के लिए उसके गुंडे दोस्त आए थे ना, तो शायद भागते समय वो दादी के कमरे के पास जो वो बाहर की तरफ खिड़की है ना, वहां से क्रॉस कर रहे होंगे और उन्हें उसी वक्त पानी चाहिए होगा, प्यास लगी होगी, तो बस बॉटल उठा लिया होगा देख के, तो वो ही होंगे। हाँ ऐसे ही हो सकते हैं। वाह मैंने नहीं की। नहीं फेंका? झूठ बोलोगे? झूठी कितनी है, कितनी झूठी है। मैंने खुद देखा, आपने फेंका था, उसको लगी। भूत मत बोलना, मेरे को पता भूत नहीं था, आप थे, आपने फेंकी है। नाटक नहीं चाहिए। मर्डर? क्योंकि इसे ऐसा लगता है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं इसे बदनाम करना चाहती हूँ, क्योंकि इसे लगता है कि मैंने इस घटिया आदमी को पैसे दिए थे, क्योंकि इसे लगता है कि मैंने इसकी प्रेगनेंसी के बारे में इसको बताया, इसको लगता है इसलिए। बलविंदर ने भी कहा था और लक्ष्मी ने भी। लक्ष्मी और ऋषि तुम दोनों इस गुंडे पे नजर रखो। हाँ हम लोग चलते हैं। और तू मलिष्का, तुझे तो यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चल। और मैं तू तो सबसे पहले जाएगा है, और भूत भूत से कौन निपटेगा, चल चल। अरे मैं भी तो यहाँ रह सकती हूँ ना दादी, मैं रुक सकती हूँ यहाँ पे, राइट? अरे मियाँ बीवी को छोड़ के जाते है ना गुंडे के पास, बाकी लोग क्या करेंगे। अरे चलो दादी मैं भी तो नहीं बोलूंगी। क्या? थैंक यू। बोल तो दिया। नहीं वो मैंने वैसे कोई बात नहीं, इनफैक्ट मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या? यू आर वेलकम। तुमने भी बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। और मैं थैंक यू इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ ऋषि। मलिष्का मजबूर करती है मुझे ऐसा बोलने के लिए, मैंने उसे जानबूझ कर नीचा नहीं दिखाया। अब वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी तो उसे पलट कर जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो फिर फर्क ही क्या रह गया तुम्हारे और मलिष्का के बीच में? फर्क ये तुम अपने दिल से पूछो। अगर मुझ में और मलिष्का में फर्क नहीं होता ना तो मलिष्का अभी जेल में होती, इतनी गंदी हरकतें किया उसने। और तुम तो क्या? मैं क्या? तुम्हें तो मैं बांध के रखती, फिर मलिष्का क्या? कोई भी और लड़की ना तुम पे नजर तक नहीं डाल पाती। बस वही तो बचा है, बांधा ही नहीं तुमने अभी तक मुझे, उसके अलावा तो सब कर चुकी हो। मतलब ये है कि मलिष्का के सामने कुछ ज्यादा हक नहीं जमाती मुझ पे? हाँ तो मैं जमाऊंगी हक, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। सांस ले लो, अभी मैंने सिर्फ कहा ही है। देखो मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ,
हाँ तो फिर ये सब यही रोकते हैं ना? हाँ रोकते नहीं है, खत्म ही करते। क्यों ऋषि ज्यादा विश्वास कर रहा है लक्ष्मी पर? क्योंकि वो मुझ पे शक कर रहा है। और किसके कहने पे? उस लक्ष्मी की वजह से। क्योंकि उस लक्ष्मी को लगता है कि मैंने बलविंदर को पैसे दिए थे यहाँ पे सब बकवास करने के। और सबसे बड़ी बात कि वो ऋषि ना वो उससे भरोसा भी कर रहा है। रिश्का थोड़ा धीरे बोलो। अरे बचा क्या है बोलने के लिए, जो धीरे बोलूं? ये ना कि फिर से जीतती जा रही है, एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स की तरफ वापस जा रहे हैं। देखा नहीं कैसे वो वीरेंद्र अंकल वो बलविंदर को मारने लगे थे लक्ष्मी के लिए। ये सब लोग मेरी साइड आ चुके थे फिर से, और अब सब चले गए, सब लक्ष्मी की साइड हो गए। अनुष्का काम डाउन, डोंट वरी। और वैसे भी अभी ऋषि को तुम पे सिर्फ शक हुआ है ना, ब्लेम तो नहीं कर रहा ना वो तुम पे, कोई उसको सबूत तो नहीं मिला है ना? अरे पहले ये कांड तो खत्म हो जाए, उसको हम बाद में संभाल लेंगे। अरे बट वो खड़ा तो है ना लक्ष्मी के साथ मॉम, भगवान जाने कैसा भाग्य लिखवा के लाई है लक्ष्मी। वरना मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बलविंदर को ले आई थी ना यहाँ पे लक्ष्मी की फेक प्रेगनेंसी के बारे में बता के, लेके आई थी नहीं लाई थी। अब वो ले भी जाता लक्ष्मी को यहाँ से बाहर, लेकिन ऋषि के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया, अच्छा पति जाग गया, और उसने बचा लिया लक्ष्मी को। वरना वो सड़ रही होती अभी बलविंदर के साथ इस घर से बहुत दूर। व्हाट सोनिया? टिपिकल लक्ष्मी, खुद के बारे में फिर नहीं सोचा तुमने। अरे आती वहाँ पे अपना हार लेती और भाग जाती वहाँ से। और तुम्हें छोड़ देती वहाँ। वो तो हार ही था ना, हार वापस मिल सकता है पर जान वापस नहीं मिलती। और अब तुम इतनी सारी यादें भी मिल गई। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हर दम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बन हो गए हैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना मैंने, देखो तुम्हें रुला भी दिया, सॉरी। अब मैं काम करता हूँ, मैं कोने में जाके बैठ जाता हूँ, नहीं तो तुम ऐसी सोती रहोगी। क्या तुम रोकोगी नहीं मुझे कोने में जाने से? हाँ बोल रही हो तुम तो। नहीं मैं यही चाहती हूँ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ, फिंगर ऑन माय लिप्स, बट और अगर तुमने बोल दिया डोंट स्माइल तो कैसे बोलूंगा? फिंगर ऑन माय लिप्स। चांद है तू दिल जलासा, मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, अब तेरा। क्या हो रहा है ये? हेलो, जागे हो क्या? अबे तो सो गए। अब चुप। तुम उठा इनको, पकड़ लिए तो क्या करेंगे? सॉरी बोल देंगे। अच्छा सॉरी बोल देंगे, और ये तुझे थैंक यू बोलेंगे ना, मिठाई खिलाएंगे, आरती उतारेंगे, बोलेंगे भैया गुड्डू भैया ने सॉरी बोला है। अब चूते से मारेंगे और बांध देंगे इस पल्लू के साथ। चल देखे निकलते इसको, चल उधर खुल, वहां खुल, खुल। अबे उठ जाओ।
सकता है, बिल्कुल हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। अरे पक्का तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन तू ना हमको उल्लू बना रहा है। उल्लू? क्या यार, क्या बात कर रहे हो, मैं बना सकता हूँ आप सबको उल्लू? मैं बना नहीं सकता। नहीं, बना सकता हूँ पर उसके लिए लड़की को आपसे भी ज्यादा सुंदर, आपसे भी ज्यादा प्रीटी होना पड़ेगा। शालू, नहीं नहीं ना। और फिर तो तूने ना सारी उम्र ऐसे कुंवारे ही पड़े रह जाना, शादी नहीं होनी तेरी। वो एक सुंदर लड़की सिर्फ रब ने एक ही बनाई थी, और वो तेरी नानी है। वैसे सच बताऊं, शालू ना मुझे भी खास पसंद नहीं है। हाँ ना, देख ना, तो शक्ल है ना, सूरत है ना, सीरत है ना, दिमाग है ना, समझ है। अरे अरे, होल्ड 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 होल्ड, नानी क्या कर के रहे हो आप? इतनी बुरी लड़की भी नहीं है शालू, क्या बात कर रहे हो नानी? शक्ल मेरी ओकेश है, और सीरत, ये सीरत क्या होता है? सीरत मतलब नेचर, व्यवहार। वो भी ओकेश ही है उसका, और दिमाग भी नहीं है। नहीं है, है कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा। पर समझ तो नहीं है ना? नानी समझ का क्या, अब देखो समझ तो मतलब फिर टाइम आ जाती है, आ जाएगी उसे भी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा मजेदार हो जाएगी। पर तू जैसे बात करता है ना शालू से, तो मुझे नहीं लगता ये सब। नहीं नहीं नानी, वो तो मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, आप जानते हो, मुझे आपको पता तो है, मेरा ओवर रिएक्ट कर देता हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं है। नानी नहीं 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 नानी, मेरे को फोन ले दो, मैं दो मिनट बात करके वापस कर दूंगा ना फोन, या प्लीज नानी यार बात करना वापस दोबारा कर दीजिए नानी, प्लीज डॉट। खबरदार अगर शालू को बताया है कि फोन स्पीकर पे, इतने लप्पड़ मारूंगी ना, इतने लप्पड़ मारूंगी। कितने मारूंगी? 100 और गिनूंगी एक। हेलो आयुष। नहीं मैं रुखान बोल रहा हूँ। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे शालू। अरे यार आयुष ही बोलूंगा ना, आयुष को फोन किया तो शाहरुख खान थोड़ी हूँ यार मैं। आयुष तुम, मैंने इसलिए ये सब पूछा कि फोन स्पीकर पे है क्या? हेलो, क्या हुआ, तुम ठीक हो? छींक आ रही थी मुझे, तो बस ये छोड़ो, मुझे सब बोलो क्यों फोन किया मुझे। आयुष तुम पहले ये बताओ, फोन स्पीकर पे है क्या? अरे नहीं है फोन स्पीकर पे यार, बोलो यार। ठीक, अब मुझे ये बताओ तुम क्या बातें कर रहे थे? हाँ, मतलब ऐसे क्यों जता रहे थे कि कुछ है? कुछ है एज़न? एज़न देखो, ये मजाक मस्ती मत करो मेरे सामने अभी, और मुझे नहीं अच्छा लगा तुमने ऐसे कहा, तो मुझे नहीं पसंद। क्या डरपोक मिस्टर ओबेरॉय? डरपोक नहीं अच्छा लगा? डरपोक नहीं, डरपोक नहीं, मिस्टर ओबेरॉय। ऐसा लगा कि जैसे तुम किसी अजनबी से बात कर रही हो, किसी पराये से। तेरी एक हंसी और मैं
कभी भी पराया या अजनबी नहीं बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। क्यों नहीं बनना चाहते? बस मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? तेरी एक हंसी। कोई आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, सारे कमरों के दरवाजे बाहर से बंद करके आए हम। छोड़ो अब ये दरवाजा तोड़ना वोड़ना, छोड़ो तुम यहीं रह के भी उन्हें रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? सुपरमैन हूं मैं, नहीं रोक सकता मैं। रोक सकते हो कैसे? कैसे? फिर बंद करने से कुछ नहीं होने का, अपनी आवाज कम कर ले जो इतनी तेज बोल लग रहे। जल्दी निकल, चल जल्दी चल। तो बलविंदर कहां से उतरा बेटे? जल्दी निकल ले यहां से, इस बार पकड़ा गया ना तेरी तो लग जाएगी हमारी। चल, पुलिस इस घर के अंदर नहीं आने की। अब तू अफीम चाट रहा है क्या? बोल रहा मैं सायरन नहीं सुना दे रही क्या तुझे? ये तो बोल रहा है कि पुलिस घर पे नहीं आएगी। बेटे अगर आनी होती ना पहले आ गई होती, ऋषि नहीं बुला सकता था पुलिस? बुलाई उसने? नहीं बुलाई ना। क्यों बुलाई? इस घर के अंदर नहीं आने की पुलिस। अच्छा, क्या पता उसने अब बता दिया हो, तुझे देख रहा होगा भागते हुए, उसने पुलिस को फोन कर दिया होगा। बता, मैं सही बोल रहा है ये? हमने सारे दरवाजे बाहर से बंद करके आए ना, तो उनको शक हो गया होगा कि तू भाग रहा है, इसलिए बुला ली होगी पुलिस। चल ले, ये भी सिर्फ सायरन की आवाज थी। इधर देख, सच कह रहा हूँ, सिर्फ सायरन की आवाज थी, पुलिस नहीं आई है। पुलिस नहीं थी पर ऋषि, सायरन तो हमने खुद सुना, तुम्हारे डैड ने भी सुना। हाँ मैंने भी सुना। मैंने भी सुना। ओह यार ऋषि भाई, कमाल कर दिया यार, गुड यूज ऑफ ब्रेन, वेल डन। आयुष आगे बोलोगे तुम? अरे ये पुलिस का सायरन था भी पर पुलिस नहीं भी थी। मतलब तू होशियार है पर तू होशियार नहीं भी है? मतलब मैं होशियार हूँ या नहीं हूँ, क्या मतलब? नहीं समझ आया ना? ना हमें भी नहीं समझ आया और चुप करके खड़ा रहे। ऋषि तू ही बता। बताना क्या दादी, दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। यही तो मैं बोल रहा था कि पुलिस का सायरन था भी और पुलिस नहीं भी थी। और हमने हमारे घर में साउंड सिस्टम लगाया हुआ इमरजेंसी के लिए, पर इसको देखो बल्लू का उल्लू बन गया। एग्जैक्टली, और वो साउंड सिस्टम मैं अपने फोन में जो ब्लूटूथ है ना उससे ऑपरेट करता हूँ। और रेड लाइट भी लगाइए बाहर। और वो भी मैं अपने फोन में ब्लूटूथ से ही ऑपरेट करता हूँ। मतलब पुलिस नहीं थी बट पुलिस का सायरन था, वो भी हमारा खुद का पर्सनल। आई मम्मी तो ऐसे साफ साफ पहले बोलता ना, और तू तो जलेबी की तरह गोल 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 घुमाए जा रहा था बात को। ऋषि ये सिस्टम याद है मुझे, हमने लगाई थी, पर आज क्यों यूज किया तुमने? वो भी इतनी रात को, हम सब सो रहे थे ना। यू नो व्हाट, हमारे कमरे के दरवाजे भी बंद थे ऋषि भाई। जानता हूँ सबके कमरे के दरवाजे बंद थे, लेकिन लक्ष्मी ने बाद में जाके सारे दरवाजे खोल दिए। पर दरवाजे बंद वो कैसे हुए, किसने किए? मुझे पता है कि किसने बंद किए। बलविंदर के दोस्तों ने, है ना? एग्जैक्टली, बलविंदर के दोस्त रहते घर में घुस गए थे बलविंदर को बचाने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन एज यूजुअल लक्ष्मी थी वहाँ पे और लक्ष्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, उसने फिर से मेरी और मेरे परिवार की इज्जत बचाई। इज्जत को लुटने नहीं दिया और ये बलविंदर यहाँ से भाग नहीं पाया। लक्ष्मी ने कैसे? अभी बताता हूँ दादी, वो भी बताता हूँ। आयुष आराम से। क्या भागेगा? क्या कहाँ से भागेगा? गेम खेलने क्या? अरे बहुत ज्यादा खेली है, तेरे साथ भी खेल लेंगे, चित कर दूंगा तेरे को। कबड्डी। सास टूट गई तेरी। अब यार तेरे को तोड़ूंगा मैं, आजा। कबड्डी। बैगन से मार रहा है कबड्डी। सॉरी नहीं दादी, आउट होगी, हाथ लग गया मेरा। दादी के साथ आउट हो गया, और वैसे भी वो बुजुर्गों के हाथ नहीं छूते, उनके पैर पड़ते। पैर पड़ पैर छूने में खेलूंगा नहीं। जिंदा बाजदार है, खुश रहे। शरीफ बंदा बन जा,
और मुसीबतों से दूर रहे। मुसीबतें दूर कहाँ हो रही और मुसीबतों में निपटता जा रहा मैं। आपका आशीर्वाद कोई काम नहीं कर रहा। भागने को बोला था भाग पा नहीं रहा मैं। देखना कब कबड्डी कबड्डी खेल रहा मैं, पता नहीं कोई मार रहा कहीं पीट रहा। आशीर्वाद दो अच्छा था, भाग जाऊं मैं यहाँ से। बंदा सही कह रहा है, अगर मेरा आशीर्वाद फलेगा नहीं तो मेरे आशीर्वाद की क्या कीमत रह जाएगी। मैं तेरे को देती हूँ, बड़े सारे आशीर्वाद दूंगी। जिंदा रहे, बसदा रहे, जवानियां मान, दूध ना पुतो फलो। अरे आप इतने हारे नहीं चाहिए, भागने का दे दो बस खाली। अब भागने में सफल हो जाए। अरे नानी पागल है, हम कबड्डी खेल रहे हैं उसके साथ यार। पीछे हो जाओ सारे, कोई आ मत जाइयो बीच में। पीछे 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 हो जा। ऋषि एक बात बता कि तुम आए कैसे और आ भी गए तो तुम अंदर कैसे घुस गए? मैं वही जिसकी वजह से तुम यहाँ पड़ा। अबे मलिष्का मलिष्का, उसने बुलाया हमें यहाँ। तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो? अरे मेन डोर लॉक है, इसे पकड़ो, दरवाजा खोलो, निकलो यहाँ से। तुम चीज क्या हो, कभी भागती हो कभी घर में लाती हो, चाहती क्या हो? तुम्हारे मुंह मत चला जाता, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। मैं खिड़की से अंदर जाऊंगी और ऐसे दिखाऊंगी कि मैं यहाँ कभी आई ही नहीं, कि मैं सो रही हूँ। और बलविंदर हीरा, मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम कुछ भी करके बस भागो यहाँ से, पकड़े मत जाना। सुनो मेरी चलनी 7:30, मेरा बैड लक चल रहा, अगर मैं पकड़ा गया फिर क्या होगा? अरे तो यू इडियट, मेरा नाम मत लेना बस, कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अच्छा, और मैं मुक्के खाता रहूं यहाँ पे? मेरा मुंह सुजा दिया मारते मारते, मेरी आंतड़ी वांतड़ी सब निकाल गिरी। मैं क्या बोलूं, नाम पूछेगी उन्हें, क्या बताऊं? मेरी ताई आई थी ऊपर से, लक्ष्मी, लक्ष्मी का नाम लेना, कहना उसे तुम्हें पैसे दिए थे खुद को बदनाम करने के लिए, ताकि तुम उसको बदनाम करो, उस दंपति मिले और यहाँ सब बिचारी बन के सबसे प्यार ले ले। या तो किसी का भी नाम ले देना, नीलम आंटी का नाम लेना, कहना कि उन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे लक्ष्मी को बदनाम करने के लिए। सुनो तुम्हारी नींद अभी खुली नहीं मेरे ख्याल से, ये सस्ते नशे का रखे तुमने। 5 लाख रुपए दूंगी ये झूठ बोलने के लिए, अगर पकड़े गए तो। पकड़े गए तो पकड़े पकड़े नहीं जाना मुझे, मुझे भागना है यहाँ से। 5 लाख दूंगी, सुनो तुम मेरी बात समझो, मैं तुम्हारी समझूंगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये देखो, अगर मैं अभी निकल गया यहाँ से तो निकल गया, काम हो गया खत्म। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं ले दूंगा, चलो नीलम आंटी का नाम ले दूंगा या मैं लक्ष्मी का नाम ले दूंगा, पर शर्त एक है मेरी। शर्त ये है कि मुझे इस घर से तुम ही बाहर निकाल लूंगी। एक काम करना और 5 लाख मत देना, मुझे 4 दे देना। 1 लाख मेरी तरफ, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा, दिल बहुत बड़ा हमारा। क्यों दिमाग खराब है तुम्हारा, या बैठ के मुझसे बार्गेनिंग कर रहे हो? तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, भागो यहाँ से, क्या पार्लर है और बकवास। चलो ठीक है, अगर तुम पकड़े गए ना तो तुम ऊपर वाले कमरे में चले जाना, ऊपर गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम के वॉशरूम में खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है, बस भाग जाना वहाँ से, कुछ भी करके पकड़े मत जाना। सही रास्ता बता दिया, मुझे लग रहा था तुम दुश्मन हो, तुम तो दोस्त निकलेगी। दुश्मन ही हूँ मैं, बस आज नहीं। मतलब मॉनसून का डिस्काउंट चल रहा है मॉल में है? चलो कोई बात नहीं, हम तो इसमें भी पूछे, चला जा जब गिट्टे। बलविंदर वॉशरूम में, वो गेस्ट रूम में नहीं है, मैंने चेक किया, मुझे लगा था सट गया होगा लेकिन वहाँ पे नहीं है। आयुष ये रहे, ताला ले और ये 2 लॉकर थे, उसके दोस्त आ सकते हैं तो हम रेस्ट नहीं ले सकते। मैंने बाथरूम का दरवाजा भी लॉक कर दिया, ये भी कर देता हूँ, गुड आइडिया। अरे वो बलविंदर है ना, वो रूम में आ गया था और वो बाथरूम गया और वहीं पे अटक गया, फंस गया, डोर जैम हो गया, इसलिए मैं अपना मेन डोर लॉक करवा रहा हूँ ताकि बाहर ना पाए। अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। और बलविंदर हीरा, मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम कुछ भी करके बस भागो यहाँ से, पकड़े मत जाना। 5 लाख रुपए दूंगी ये झूठ बोलने के लिए, अगर पकड़े गए तो। विशु भाई मैं क्या नोटिस किया, इसमें 2 चाबी है, बढ़िया हो गया ना। ये लो एक आप रख लो, एक मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। मलिष्का नो, प्लीज अंडरस्टैंड, I don't trust you for now. Okay, please understand. ये थकान हो रही है। तो तुम सो जाओ ना ऋषि। नहीं, but thanks लक्ष्मी। क्यों? अरे तुमने वो आइडिया दिया था ना, जिसकी वजह से बलविंदर नहीं भाग पाया यहाँ से, रोक लिया बलविंदर को, तो उसके लिए थैंक यू। बस अभी और कोई कोशिश ना करे भागने की। कोई कोशिश नहीं कर पाएगा अभी, कोई कोशिश करने भी नहीं दूंगा, क्योंकि आज पूरी रात जागूंगा मैं, सोऊंगा ही नहीं। अरे क्यों, तुम क्यों नहीं सोगे? तुम सो जाओ, मैं जागती हूँ, और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। क्यों, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम पूरी रात परेशान रहोगी? हाँ तुम्हें नींद नहीं चाहिए क्या? मुझे आदत है ऋषि, ऐसी बहुत रातें गुजारी है मैंने यहाँ पर बिना सोए। छोड़ो, मैं जाग लूंगी, तुम नहीं, जो हो गया वो सो हो गया, अब मैं कह रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम सो जाओ आराम से, मैं जागूंगा। लेकिन ऋषि, मना कर रहा हूँ ना लक्ष्मी, बोला ना तुम एक बार, सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊंगा, मैं रखवाला हूँ इस घर का, मैं रखवाली करूंगा, तुम आराम से सो जाओ, रेस्ट करो। कितने जिद्दी हो ऋषि,
जब मैं कह रही हूँ कि सो जाओ तो सो जाओ ना, चलो सो। अभी कल तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो सेवा फिर मुझे ही करनी पड़ेगी, तुम चलो सो। तुम क्या ये टिपिकल बीवी जैसे बिहेव कर रही हो? जो टिपिकल बीवी होती है ना, जो हुकुम चलाती है, मुझे नहीं पसंद। तो टिपिकल बीवी तो हूँ मैं, नहीं हूँ क्या? बीवी हूँ ना तो चलाऊंगी हुकुम। हाँ लेकिन मैं नहीं हूँ वो टिपिकल हस्बैंड जो अपनी हुकूमत चलाने वाली बीवी की बातें सुन ले। मैं नहीं हूँ वैसा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और मैं नहीं, मुझे नींद नहीं चाहिए, इसने तुम्हारी बात मानी है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा तुम बताओ, मैं स्माइल करूँ या ना करूँ? ज्यादा स्मार्ट बन रही हो। जवाब तो दो, स्माइल करूँ या ना करूँ? अच्छा ठीक है, करो करो स्माइल करो, लेकिन मेरा मजाक मत उड़ाना। और मुझे ये तो बताओ, हम ये ऐसे आंखें चार करके क्यों बैठे? क्यों ऐसे स्टूपिड लवर्स की तरह बैठे? इससे क्या नींद भाग जाएगी? तुम्हें नींद आई अभी तक? नहीं। उबासी भी आई? नहीं। तो नहीं आएगी ना, उड़ जाएगी नींद। आजमाया हुआ नुस्खा है। कूल, देखते हैं तुम्हारा ये आजमाया हुआ नुस्खा काम करता है। यानी नुस्खा नहीं, नुस्खा। हाँ अरे वही, तुम समझ गई ना। अब देखो तुम यहाँ पे है ना, मेरी हिंदी करेक्ट मत करो, वरना मैं इंग्लिश करेक्ट करने पे आया ना तो तुम। हिंदी नहीं है ये, उर्दू वर्ड है नुस्खा। हाँ अब बोलिया, अब देखने दोगी मुझे? देख ही तो रहे हो। ऐसी नहीं, अच्छे से नहीं देखने दे रही तुम। सारा ध्यान मेरा तुम्हारी स्टूपिड बातों में चला गया था। तो बात तो कर ही सकते हैं ना हम। अच्छा ठीक है, करो बात करो, लेकिन जुबान से नहीं, आंखों से। नुक्सा, नुक्सा। नुस्खा ऋषि। हाँ ये जो इसने बोला वो, इट्स ये बहुत बढ़िया टेक्निक है मलिश का नींद को भगाने के लिए। नींद भाग जाती है बिल्कुल भी। देखो मुझे मुझे इतनी नींद आ रही थी, अब मैं ये नुक्सा ट्राई करने के बाद कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। नुस्खा। हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, ये है ना, ये जो नू खा, इट इज अमेजिंग। आई थिंक यू शुड ट्राई, बहुत बढ़िया चीज है ये मलिश का। एंड हैट्स ऑफ टू यू लक्ष्मी, कमाल के आइडियाज रहते तुम्हारे अंदर। वाओ ऑसम ऑसम, हाँ रियली ग्रेट अमेजिंग। लक्ष्मी तुम्हारे अंदर इतने सारे आइडियाज आते कहाँ से? वेरी गुड लक्ष्मी, मिसेज लक्ष्मी ओबेरॉय, ग्रेट पर्सनालिटी। और रियली इतना अमेजिंग है इसका ये। भगवान दारू दिला दो कहीं से। अमीरों के पैखाने में भी दारू की खुशबू आ रही। ना ना ना, अमीरों का पैखाना नहीं है, इस अंदाज की वजह से नहीं आ रही। साला मेरे दिमाग में शराबियों की वो है, शराबी को हर जगह दारू दिखाई देती है। सोजा बल्लू, सोजा सोजा सोजा, मर जाएगा नहीं तो मर जाएगा। अरे कौन फेंक रहा है इसे दारू को? अरे अरे अमृत है ये, अरे कौन मारा? अरे ऋषि हो, ऋषि हो। और दारू ना फेंक के भाई, और दारू ना फेंक के मुझे दे दे भाई, मुझे दे दे। और मुझे बहुत चलेगी इसकी, और दारू ना फेंक के और मुझे दे दे, बर्बाद ना करो। और ऋषि फेंक के ना मुझे दे। अरे अब मुझे बहुत जरूरत है इसकी यार, मैं मर रहा, मेरी सांस नहीं आ रही ऋषि, मेरी सांस नहीं आ रही ऋषि। ऋषि यार मुझे मुझे देते दारू फेंक के ना, मैं जो कहेगा वो करूंगा, दो चार थप्पड़ और मारने हो मुझे। दारू दे रहा
जितनी चाहिए उतनी मिलेगी, पर दरवाजा खोल के बाहर आ जा। चुप कर जा खुद्या, दुनिया जान की ताकत लगा ली पर इसने दरवाजा खोला नहीं ना है। अब देख तो अपनी नानी का जलवा, एक मिनट में बाहर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, फोटो खींच के ना रोज आरती भी उतारा करेगा मेरी, ना किया तो मेरा नाम बदल दियो। वेट एंड वॉच। यस धड़क। अरे आप जहाँ कहोगी मैं वहां आ जाऊंगा, कहाँ कहोगी कुएं में कूदना वहां कूदूंगा। दादी दादी जहाँ कहोगी वहां आ रहा। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मत खोलो दरवाजा यार, जल्दी खोलो। इससे पहले कोई बोले मैं ही बता देती हूँ कि आज ये ना स्यापा मैंने ही खत्म करना है, कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। मैंने कहा था ना इससे सच मैं उगलवाऊंगी। ये आप सीरियस थे दादी? चुप। सॉरी आई मीन आप सीरियस ही होंगे, लेकिन आप छोड़ो ना बलविंदर को, मैं हैंडल करता हूँ ना इसे, ये आपको चोट पहुंचा देगा, मैं करता हूँ। रुक वहीं पे, मैंने बोला है ना कि आज ये किस्सा मैं ही खत्म करूंगी, और ये क्या मुझे चोट पहुंचाएगा? इसकी दुखती रग तो मैंने पकड़ रखी है। दुखती रग कौन सी माँ? इसे शराब पीने का बड़ा शौक है, इसकी कमजोरी है, बस इसे पिला दी और इसे अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब ये सच उगलेगा। वाह दादी सुपर, जैसे वो दादा लोग होते ना एकदम गुंडे वाले, वैसे आप एकदम दादी बन गए हो। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, पता चल गया सबको, वेरी गुड। अच्छा दादी ये इससे जो भी आप कर रहे हो इसके साथ, ये सच तो बोलेगा ना उसके बाद? बोल बलविंदर, किसने बताया तुझे, कहाँ से पता चला तुझे? दादी जी मैं बता रहा, मैं बुजुर्ग सारे लोग एक से बढ़ के आइटम, खास करके आपका गोरा वाला पोता, वैसे सारे मतलब लंका में बावन गज के हैं, एक से बढ़ के सारे पीछे पड़ गए। कहाँ से पता चला, कहाँ से पता चल गया? पता नहीं चल सकता क्या? डॉक्टर ने बता दी, नर्स ने बता दी, मुझे खुद पता चल, मुझे लक्ष्मी ने बताई, मुझे मलिष्का ने बताई, या फिर मुझे नीलम आंटी जी ने बताई, मैंने सबका नाम लिया नहीं लिया बताओ, इन्हें फर्क पड़ रहा? इन्हें पता नहीं क्या सुनना, क्या क्या सुनाऊं भाई? भाई सुन, मेरी ताई आई थी ऊपर से उतर के, मेरे कान में फुसफुसाई कि लक्ष्मी जो है प्रेग्नेंट है, और मैं आ गया। ठीक है दादी, क्या बोल दूं, छाती चीर के दिखाऊं, क्या करूं? दादी आपने तो कहा था कि आपके कब्जे में, जो बुलवाओगे सब कुछ बोलेगा, सच बोलेगा, ये तो पहले से भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है। देख बलविंदर आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच सच बता दे मुझे, किसने तुझे बताया था लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में? बोल। नहीं तो क्या 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 करेगा, बदमाश है तू, क्या कैसे बताऊं, छाती चीर के दिखा दूं क्या? बोल अब तू। बोल लूंगा, मैंने कब मना किया नहीं बोलने का, बोल लूंगा दादी, आपसे वादा किया है। मैं खाली है, लगता है ये घर के ड्रेसिंग से काम नहीं बनने वाला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। हेलो डॉक्टर, नहीं मैं ठीक हूं, ऋषि को चोट पहुंची है, थोड़ा प्लीज आइए ना, जल्दी आइए प्लीज प्लीज, थैंक यू थैंक यू। लक्ष्मी मैं ठीक हूँ। क्यों करते हो तुम ऐसा? बोला था ना मैंने कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, बोला था ना अपना ख्याल रखो, क्या जरूरत थी मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने की? तो क्या हो गया, तुम भी तो कितना कुछ करती हो ना मेरे लिए, मैंने कभी कुछ कहा? रब करे ऐसा ही हो। हाँ और अगर कोई है ही नहीं तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
और अगर कोई हुआ तो, कोई हुआ तो, कोई ऐसा इंसान जो हमारी फैमिली का नाम खराब करना चाहता है, जो लक्ष्मी का बुरा चाहता है, इनफैक्ट लक्ष्मी का ही ज्यादा बुरा चाहता है, किस लेवल की हरकत करवाई है बलविंदर से? अगर उस दिन मैं लक्ष्मी के साथ नहीं खड़ा होता तो बलविंदर तो उसे खींच के ले जाता यहाँ से। नहीं, मैं इसे बैठे नहीं रहूंगा घर में, मैं खुद भी जाऊंगा। क्या हुआ? मॉम, मैं जा रहा हूँ बलविंदर को पकड़ने के लिए। क्या पागल हुए हो तुम? हालत देखिए अपनी, जख्म देखा है कितना गहरा है, कहीं नहीं जाओगे तुम, और क्या पागलपन है ये? और वैसे भी दुश्मन किसी और का होगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है ऋषि? और अगर हमारा हुआ तो? तो मम्मी जी आल डील विद इट, नहीं देखेगा हमारे परिवार की तरफ दोबारा वो। मॉम आप एक बार मेरी बात समझिए। ऋषि, तुम नहीं जाओगे, अब कैसे समझाएं तुम्हें? बेटा जान है तो जहान है, तुम्हारी चिंता करते करते ना किसी दिन हमें कुछ हो जाएगा। मॉम प्लीज, मॉम ऐसा मत। कुछ नहीं, बस पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, आजकल कोई बात नहीं मानते तुम हमारी। मॉम मानता तो हूँ आपकी बात। ऋषि, मॉम जो कह रही है तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही है, और आयुष गया ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, और वैसे भी डॉक्टर आते ही होंगे। आ गए, आइए डॉक्टर। आइए डॉक्टर, देखिए बहुत चोट लगी है उसे। क्या हुआ ऋषि? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल तो नहीं लग रहा, एक बार देख लेते हैं। ये देखने में तो नॉर्मल नहीं लग रहा। ये लगा कैसे? एक्चुअली डॉक्टर वो बॉटल टूट गई, कट गया ऐसे। ये फर्स्ट एड किसने किया था? हमारी बहू लक्ष्मी ने। अच्छा, ठीक करा है, नीट हुआ है, दोबारा ड्रेसिंग की नीट नहीं है। मैं मेडिसिन दे देता हूँ, ठीक है? उससे क्या है कि घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा और पेन भी नहीं होगा आपको। एंड ये वाली टैबलेट्स आपको 3 टाइम लेनी है दिन में, सुबह दोपहर और शाम, ठीक है? एक अभी ले लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। ओके, फॉर्म देखा प्रियंका डॉक्टर ने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। जा सकता हूँ मैं बलविंदर को पकड़ने के लिए? नहीं, देखा आपने, आपने भी समझाया फिर भी ये नहीं मान रहे, अब क्या हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दे तुम्हें? छोटे बच्चे हो क्या? ऋषि बेटा, नो बचपना प्लीज। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। एक्चुअली तुम सीरियस थी क्या? मतलब जो भी तुमने कहा वो सच में बोल रही थी? यू मीन दैट? क्या वही? क्या वही? वही कि चोट मुझे लगेगी तो दर्द तुम्हें होगा। मतलब वो मैंने ना फिल्म नहीं देखी थी, पर मैंने शायद अभी कोई गाना सुना था, उसमें ऐसी कोई लाइन थी। गाना? कौन सा गाना था ये? है ना एक गाना, वो बहुत, अरे बहुत अच्छा गाना है, वो बहुत 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 फेमस भी है वो। सुनाओ गा के। कौन सा गाना था वो, याद ही नहीं आ रहा है मुझे। मुझे भी नहीं आ रहा है। ऐसे होता है जब कोई चीज ज्यादा याद करो ना तो याद नहीं आती। लेकिन तुम अपना